ग्रामीण जिला के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय के प्रभारी अमूल खालखोई जी, प्रदेश के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी और हमारे सभी प्रेस के मित्रों, विगत लंबे समय से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के जो हिटलर शाही है, तानाशाही है, उनके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक लगातार संघर्ष कर रही है और आज पूरे देश की हालात, जैसा कि आदरणीय सुबोध खान साहब जी ने आपको बतलाया, मैं उस पर उन बातों पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जय भारत सत्याग्रह के तहत पूरे प्रदेश के 24 जिलों में जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम को चलाया जा रहा है और विगत 4 अप्रैल से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। 13 दिन तक लगातार हमारे झारखंड के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में, साथ में हमारे प्रदेश के कई एक सुबोध खान साहब जैसे और लोग कई एक भी नेतागण, पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम जिलों में जाकर इस जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत जो देश की हालात है, चाहे महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, किसानों का मामला हो, चाहे छात्र छात्राओं का मामला हो, देश के तमाम मामले पर लेकर और जिस प्रकार लोकतंत्र पर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को हम आम लोगों के बीच में और विशेषकर हमारे पार्टी के पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारियों को इसका सही तरीके से इस सत्याग्रह के माध्यम से हम उसको हम जानकारी दे रहे हैं, ताकि इन बातों को ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पदाधिकारी इसको डिलीवर कर सके। और इसी के क्रम में 16 तारीख को समापन का कार्यक्रम राजधानी में इसका संपन्न होगा, जो विधानसभा के मैदान में इसका निर्णय लिया गया आहूत होने जा रहा है, ये समापन सभा के रूप में। और पूरे हमारे रांची महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजा जी, ग्रामीण जिला के अध्यक्ष पूरे राकेश किरण महतो जी, इन लोगों के पूरे मॉनिटरिंग नेतृत्व में पूरा संगठन के इस सत्याग्रह में प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के पंचायत अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष, डेलीगेट, जितने भी मंच मोर्चा के पदाधिकारी, कमेटी के पदाधिकारी, इन तमाम लोगों को इस जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम में शामिल होने का निर्देश दिया गया। ये कोई चुनावी रैली नहीं है, फिर भी राजधानी का कार्यक्रम है, लोग पूरे 18 जिला के लोग, 18 प्रखंड से लोग आएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में चल रही है, इन तमाम चीजों के बारे में हमारे जो पदाधिकारी हैं प्रखंड पंचायत के स्तर के पदाधिकारियों को इन चीजों को उनको हमारे सीनियर नेता सभी लोग उनको संबोधित करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग सभी लोग मिल करके 16 तारीख का कार्यक्रम का, जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का हम तैयारी में जुटे हैं। सभी लोगों को प्रखंड वाइज अलग अलग जिम्मेवारी दे दी गई है। हमारे आपके सभी प्रखंड, 18 प्रखंड में, और जिम्मेवारी के साथ साथ कुछ वरीय पदाधिकारियों को जोन के अनुसार भी उनको एक अलग अलग तरीके से उनको लोगों के साथ, चूंकि गर्मी का दिन है, इसकी भी जिम्मेवारी तरीके से उसको दे दी गई है।
और हमारे इस उस दिन जो पुराना विधानसभा के जो मैदान है उसमें हम लोग इस सत्याग्रह कार्यक्रम को हम लोग बेहतर तरीके से हमारा उस दिन संपन्न होगा, हमारे प्रभारी से लेकर सभी ने लीडरगण वहाँ पर संबोधित करेंगे। और उसी दिन इफ्तार का भी प्रोग्राम आपका रखा गया है, उसी दिन आपका कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी के ओर से मिलन पर पहले इसमें आपका इफ्तार का भी प्रोग्राम रखा गया है।